हेलो क्लास, दिस इज अवर फोर्थ लेक्चर ऑफ सोशियोलॉजी। ये हमारा जो दूसरा टॉपिक है, तो आज अपन समाजशास्त्र के जो अपन 10 टॉपिक बताए थे उसमें जो अपना दूसरा टॉपिक है, जो पहले लेक्चर में बताया था, तो उसका दूसरा टॉपिक है प्राथमिक अवधारणाएं, मतलब कि जिस बेसिक चीज़ों से समाजशास्त्र का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें समाज, समिति, समुदाय, संस्था और जो सामाजिक समूह होते हैं और जनरीतियाँ एवं लोकाचार, इसके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला समाज। ठीक है, तो समाज होता क्या है? तो समाज व्यक्ति व्यक्तियों के मध्य जो सामाजिक संबंध पाए जाते हैं, ठीक है, तो उसके आधार पर जो व्यवस्था निर्मित होती है उसे समाज कहते हैं। तो समाज को एक दूसरे तरीके से परिभाषित किया गया है कि समाज को सामाजिक संबंधों का जाल कहा गया है। ठीक है, और इसमें क्या बोलते हैं कि सिर्फ व्यक्तियों के समूह को ही समाज नहीं कहा जाता, जब तक कि उनमें पारस्परिक जागरूकता एवं जो सामान्य जीवन में भागीदारी की जो भावना नहीं होगी, तब तक उसे समाज नहीं कहा जाएगा। ठीक है, और इसकी विशेषताएं जैसे देखते हैं कि जैसे कि समाज जो है व्यक्तियों के जो संबंध है, सामाजिक संबंध, तो उससे निर्मित हो रहा है, तो ये अमूर्त विषय हो गया। ठीक है, तो समाज अमूर्त है। ठीक है, और इसमें पारस्परिक जागरूकता एवं समानता एवं असमानता जो होता है वो पाया जाता है समाज में। ठीक है, लेकिन जो असमानता है, तो समाज में क्या होता है कि पहले तो हम सबको समान लेके चलते हैं, लेकिन उसके अंतर्गत भी असमानता निर्मित हो जाती है। ठीक है, तो इसमें समानता एवं असमानता भी पाया जाता है। ठीक है, और इसमें सहयोग एवं संघर्ष भी विद्यमान होता है, जैसे कि समाज में सब मिलजुल के रहते हैं, सहयोग से रहते हैं, लेकिन उनमें भी जो संघर्ष की भावना निर्मित हो जाती है, तो इसलिए समाज में सहयोग एवं संघर्ष की भावना भी होती है। और ये क्या है, परिवर्तनशील होता है समाज। जैसे कि अपन देखते हैं कि आदिम समाज से आजकल आते आते जो आधुनिक समाज है उसमें परिवर्तन होते ही रहते हैं, और ये जटिल व्यवस्था है। ठीक है, और जैसे कि इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि पूंजीवादी समाज होता है, जैसे कि कार्ल मार्क्स ने स्पष्ट किया था कि पूंजीवादी समाज और समाजवादी समाज, ठीक है, और पहले के जो थे आदिम समाज। ठीक है, तो ये हो गया अपना समाज के विषय में, तो ये अपना पहला सब टॉपिक कवर हो गया समाज। तो इसके बाद अपन दूसरे सब टॉपिक जो समिति है, ठीक है, तो समिति के बारे में देखते हैं कि समिति क्या होता है। ठीक है, तो समिति क्या होता है, एक ऐसा समूह होता है जिसकी रचना जानबूझकर किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए, जो उससे संबंधित क्रियाएं हैं उसे करने के लिए अपन समिति का निर्माण करते हैं। और समिति के बारे में एक क्या है कि इसकी जो सदस्यता है वो ऐच्छिक होती है। ठीक है, और ये इसका जैसे कि परिभाषा से स्पष्ट है कि निश्चित उद्देश्य होता है, और इसमें क्या होता है, औपचारिक संबंध होता है। औपचारिक संबंध मतलब फॉर्मल जो होता है, ठीक है, संबंध, जैसे कि अपन किसी ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिशियली बात करते हैं, जैसे कि फाइल वगैरह से संबंधित जो भी बात है और जो उस ऑफिस संबंधित बात है, तो उसी प्रकार से जो समिति से संबंधित बात है वही इसमें किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत स्तर की जो बातें होती हैं, जैसे कि और क्या चल रहा है, आप कैसे हैं, मैं कैसा हूँ, ये सब बातें नहीं होती। ठीक है, तो ये अपना समिति का ये विशेषताएं हो गई। और ये क्या है कि उद्देश्य प्राप्त करने के बाद समितियां समाप्त हो जाती हैं। जैसे कि अपन इसके उदाहरण के रूप में देखते हैं कि जैसे कि महिला समिति हो गया, शिक्षण समिति हो गया, और जो श्रम संगठन वगैरह है, तो ये सब समिति के प्रकार हैं। ठीक है, और जैसे कि अब तीसरा देखते हैं समुदाय। ठीक है, तो ये क्या है, समुदाय एक ये वृहद अवधारणा है समुदाय। ठीक है, तो समुदाय क्या होता है, तो सामान्य जीवन में भागीदारी करने वाले व्यक्तियों का जो समूह होता है, जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है, जिनमें हम की भावना, मतलब कि एकत्व की भावना, कि हम सभी एक हैं, ऐसी टाइप की भावना पाई जाती है, तो वो समुदाय कहलाता है। और इनकी साझा संस्कृति होती है, अंतर पारस्परिकता होती है, मतलब एक दूसरे से जुड़ाव होता है, एक दूसरे के जो सामाजिक जीवन में भागीदारी करते हैं। ठीक है, तो इसका जैसे कि अपन एग्जाम्पल के तौर पर देखें समुदाय क्या होता है, जैसे कि ग्राम स्तर पर एक समुदाय हो गया, और शहरी समुदाय हो गया, और जनजाति स्तर में जो जनजाति लोग हो गए तो उनका एक अलग समुदाय होता है। ठीक है, तो इसके जो आवश्यक तत्व जो देखते हैं, समुदाय के आवश्यक तत्व क्या हो जाएंगे, जैसे कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, व्यक्तियों का समूह होना चाहिए एवं सामुदायिक जो भावना होता है वो होना चाहिए। ठीक है,
और इसकी विशेषताएं हैं। तो समुदाय क्या है, स्थाई स्थाई होते हैं, स्थायित्व का गुण होता है इसमें, ठीक है। जैसे कि गांव के हो गए तो अपन उसी समुदाय से बिलोंग करते हैं, तो ये स्थायीपन आ जाता है उसमें, और इसका विकास स्वतः होता है, ठीक है। और इसका उद्देश्य जो होता है व्यापक होता है, और ये भी मूर्त है, क्योंकि ये व्यक्तियों का समूह, तो व्यक्ति तो मूर्त हैं, तो इसलिए मूर्त है। और ये क्या है, इसकी सदस्यता अनिवार्य रूप से अपन मिल ही जाती है। जैसे कि अपन गांव स्तर से बिलोंग करते हैं तो अपन ग्रामीण समुदाय के हो गए, शहर से अगर हमारा जन्म हुआ शहरी एरिया में तो अपन शहरी समुदाय से आ गए। तो इस प्रकार से ये तीनों टॉपिक जैसे कि कवर हो जाते हैं। और जैसे कि जानने वाली बात क्या है कि अपन मेंस का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस साल ही ये क्वेश्चन पूछा था कि समुदाय क्या है और समिति एवं समुदाय में अंतर क्या है, ठीक है। तो अपन क्या देख सकते हैं, जैसे कि 2 नंबर क्वेश्चन आता है, तो ये 4 नंबर में पूछा था, तो 2 नंबर क्वेश्चन आता है तो अपन इतना लिख सकते हैं, क्योंकि 30 वर्ड में ही लिखना रहता है, ठीक है। विशेषताएं पूछ सकता है, और इसमें भी परिभाषा के स्तर पर इतना लिख सकते हैं, 2 नंबर में आता है, तो समाज के बारे में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अंतर के दृष्टिकोण से देखें तो क्या हो जाता है, समिति और समुदाय में अंतर। तो समिति जो होता है वो जैसे कि गांव हो गया, उसके अंदर ही जैसे महिला स्व सहायता समूह वगैरह है, ठीक है। और जैसे कि शहर वगैरह में जो समिति बन रही है तो वो समुदाय के अंदर ही निर्मित होती है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, समुदाय एक स्वतंत्र अस्तित्व रखता है और समितियां समुदाय के अंदर निर्मित होती है, ठीक है। तो ये एक पहला अंतर हो गया। और जैसे समिति का एक निश्चित उद्देश्य होता है, ठीक है। जैसे कि अपन गणेश वगैरह रखते हैं तो बालक गणेश उत्सव समिति, तो गणेश रखना, स्थापना करना, फिर उसके बाद वो गणेश वाला जो कार्यक्रम हो गया उसके बाद वो समिति समाप्त हो जाती है, ऐसे टाइप से। तो लेकिन समुदाय की क्या होती है, इसका व्यापक उद्देश्य होता है, ठीक है, व्यापक उद्देश्य, ठीक है। तो ये 2 प्रमुख अंतर हो जाता है समिति और समुदाय में, ठीक है। तो ये अपन 3 टॉपिक कवर हो गए, इसके बाद अपन आगे के टॉपिक देखेंगे। तो क्लास अपना जो चौथा सब टॉपिक है वो है संस्था, ठीक है। तो संस्था क्या होता है, संस्था क्या होता है, ये व्यक्ति एवं समूह के बीच जो संबंध है, ठीक है, तो उनको नियंत्रित करने के लिए एवं जो जैसे कि समिति वगैरह जो अपन पढ़े थे, तो समिति में जो अपन उद्देश्य डिसाइड करते हैं तो उसको पूरा करने के लिए अपन संस्था का निर्माण करते हैं। तो उसमें क्या होता है, संस्था में ये नियमावली होता है, इसमें नियमाचार होते हैं, कार्य विधि होता है, ठीक है, जिसके द्वारा अपन उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, ठीक है। तो संस्था जैसे 2 नंबर में क्वेश्चन आया तो अपन क्या लिखेंगे मेंस में, कि संस्था व्यक्ति और समूह के बीच संबंधों को नियंत्रित करने एवं विभिन्न उद्देश्यों को पूर्ति करने हेतु नियमाचारों एवं कार्य विधियों की एक स्थायी एवं स्वीकृत प्रतिमान होती है, ठीक है। तो संस्था को और क्या बोल सकते हैं, कि एक प्रकार की महाप्रथा है, मतलब कि इसमें बहुत सारी जो चीजें हैं उसको सम्मिलित कर लिया जाता है, जैसे कि विभिन्न प्रकार की जन रीतियां हो गया, रूढ़िया हो गया, ठीक है। और तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें सम्मिलित कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या काम करते हैं, इनका काम क्या होता है, सामान्य हितों मतलब जो जनरल इंटरेस्ट है, तो सामान्य हितों की रक्षा करते हैं ये, ठीक है। तो जैसे संस्था क्लियर नहीं हो रहा तो एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि हो गया अपना परिवार है, धर्म है, राज्य है, विवाह, और जैसे कि बाजार है, तो मार्केट की चीजों को नियंत्रित करने के लिए उसके अलग नियमाचार होंगे, ठीक है। और उसके संबंधित जो विभिन्न उद्देश्य होंगे तो उसकी पूर्ति के लिए भी संस्था का निर्माण कर लिया जाता है, ठीक है। तो इसकी विशेषताएं क्या होगी, कि जो संस्था है जैसे कि विवाह या परिवार, तो ये स्थायित्व का गुण रखते हैं, ठीक है। और ये इसमें लिखित एवं अलिखित परंपराएं होती है, और क्या है कि एक या अधिक सुस्पष्ट उद्देश्य होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अपन जैसे कि इसमें क्या की पॉइंट क्या होगी अपना संस्था में, कि विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, और ये जो नियमाचार है और कार्य विधि, ठीक है। तो ये अपने की पॉइंट हो गए इसमें, और ये सामाजिक की, ठीक है। तो ये सब चीज ध्यान में रखना है। और जैसे कि अपन कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो जैसे कि अपन शुरू से पढ़ते हैं समाज हो गया, समिति, समुदाय, ठीक है। तो अपन इन चीजों को क्या होता है, एग्जाम में ध्यान नहीं आता, तो अपन इसको याद रखने का अच्छा तरीका क्या है, कि अपन इसके एग्जाम्पल याद रख लें, ठीक है। तो एग्जाम्पल याद रखेंगे तो क्या होगा, कि अपने को जैसे समझ नहीं आ रहा है तो एग्जाम में लिखने में आसानी हो गया, ठीक है। जैसे कि समिति हो गया, महिला समिति, तो क्या होता है, तो अपन सोच के फिर लिख सकते हैं उसके बारे में, ठीक है, जैसे याद नहीं आ रहा है। तो ये अपना संस्था हो गया, ठीक है। तो 5वां अपना है सब टॉपिक जो सामाजिक समूह हो गया, ठीक है।
तो सामाजिक समूह क्या होता है? जब दो या अधिक व्यक्ति क्या करते हैं, अपने सामान्य हितों के लिए, तो सामान्य हित अपना इसमें भी की पॉइंट हो जाएगा, तो सामान्य हित के लिए, क्योंकि उसके एक दूसरे के प्रति कुछ इंटरेस्ट होना चाहिए कि अपन कोई चीज कर रहे हैं, ठीक है, तभी हम किसी कार्य को करेंगे, ठीक है। तो सामाजिक समूह क्या हो जाता है कि सामान्य हितों के लिए जब दो या अधिक व्यक्ति एक दूसरे को पारस्परिक रूप से प्रभावित करते हैं एवं मीनिंगफुल अर्थपूर्ण संबंध स्थापित करते हैं तो उसे सामाजिक समूह कहते हैं, ठीक है। तो ये सामाजिक समूह की डिफिनेशन अगर पूछेगा मेंस में 2 नंबर में, तो अपन इतना ही लिख के आ जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखेंगे कि इसके निर्धारण के आधार क्या हैं, ठीक है, कि सामाजिक समूह क्यों बोला जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके सामान्य हित होंगे, इसमें स्थायित्व का गुण होगा और इसका एक कोई सामूहिक आदर्श होगा और इनके व्यक्तियों के मध्य क्या होगा, सामाजिक संबंध होंगे और इनके समूह में एकता होगी, ठीक है। तो ये पहले पूछा जा चुका है मेंस में क्वेश्चन 2 नंबर में, ठीक है। अब क्या देखेंगे, जो सामाजिक समूह है इसके प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। तो ये इस बार के मेंस में पूछा गया था कि प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूह में अंतर क्या है करके, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं कि होते क्या है, ठीक है। तो प्राथमिक समूह क्या होता है कि ये आमने सामने का समूह होता है। आमने सामने मतलब जो अपन जिससे बात कर रहे हैं डायरेक्टली, जैसे कि बच्चा पैदा होता है उसके बाद से उसके बड़े होने तक का जो ग्रुप होता है तो वो प्राथमिक समूह कहलाता है, ठीक है। जब जाओ लग जाता है उसके बाद का जो ग्रुप वगैरह बनता है तो वो द्वितीयक ग्रुप में आ जाता है, ठीक है। तो प्राथमिक समूह होता क्या है, जैसे डेफिनेशन पूछेगा 2 नंबर में, तो अपन क्या लिखेंगे कि ये प्राथमिक समूह आमने सामने के समूह होते हैं जिनके सदस्यों में घनिष्ठता होता है, सहानुभूति का, सद्भावना का गुण होता है, अंतः क्रियात्मक सहयोगी संबंध होते हैं, ठीक है। तो मेंस में ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। और एक विद्वान है चार्ल्स को लेकर के, तो उन्होंने 3 प्रमुख प्राथमिक समूह बताए हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, पहला परिवार होता है, क्योंकि बच्चा जो जब पैदा होता है उसके बाद परिवार से ही और परिवार के कुछ खास सदस्यों से ही घुल मिल के घनिष्ठता से संबंध स्थापित कर पाता है, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया, बच्चों के खेल के साथियों का समूह, ठीक है। तो बच्चा अपने खेल के साथियों के साथ भी सामाजिक अंतर क्रिया करता है और अपना जो गुणों का विकास करता है, ठीक है। और तीसरा क्या हो गया, पड़ोस, तो अपने पास पड़ोस का भी बच्चे के मन मस्तिष्क में गहरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये 3 प्रमुख प्राथमिक समूह हो गए, ठीक है। इनके 2 प्रमुख लक्षण होते हैं प्राथमिक समूह के, ठीक है। तो पहला क्या है, सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता मतलब ये सभी प्रकार के समाज में अपना अस्तित्व रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हो गए सभी प्रकार के समाज में। और दूसरा क्या है कि ये व्यक्ति के व्यक्तित्व तो निर्माण पर अपना प्रथम एवं आधारभूत प्रभाव डालते हैं, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आता है कि प्राथमिक समूह जो होते हैं जैसे कि परिवार ये सब, तो जब छोटे से बड़े होने के क्रम में क्या होता है, ये व्यक्तित्व का विकास और सामाजिक जो गुण है सद्गुण वगैरह उसके विकास में ये काम आता है, ठीक है। तो इसलिए जो चार्ल्स कुले हैं, ठीक है, उन्होंने क्या कहा है कि ये मानव स्वभाव का संवर्धन गृह है। मानव स्वभाव का संवर्धन गृह इसलिए है क्योंकि जो अगर मनुष्य को कुछ सीख नहीं देंगे, समझाई नहीं देंगे, तो वो पशु के समान हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सबसे जो मेन गुण है प्राथमिक समूह का वो ये है कि ये पशु प्रवृत्तियों का मानवीकरण करता है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, जैसे कि ये है द्वितीयक समूह। तो द्वितीयक समूह क्या होता है कि ये इससे बड़ा समूह होता है, ठीक है। तो ये प्राथमिक समूह की अपेक्षा बड़े होते हैं, अधिक औपचारिक होते हैं, ठीक है। फॉर्मल जैसे कि बताया था ऑफिशियल संबंध होता है इसमें, और विशेषीकृत होते हैं, ठीक है, और अस्थायी होते हैं, और इनके सदस्यों के बीच अवैयक्तिक संबंध पाया जाता है। अवैयक्तिक मतलब वही ऑफिशियल संबंध, वैयक्तिक मतलब कि जैसे दो व्यक्तियों के बीच में संबंध, मतलब कि वो अपना हाल चाल पूछते हैं, ऐसा संबंध नहीं होता। जिस संस्था से जुड़े हुए हैं जैसे कि श्रमिक संघ हो गया, सेना हो गया, राजनीतिक दल, स्कूल वगैरह, तो उससे संबंधित चीजों को तवज्जो दिया जाता है इसमें, ठीक है। तो ये अपना द्वितीयक समूह हो गया और ये प्राथमिक समूह। तो अपन अंतर के तौर पर क्या समझ सकते हैं कि ये क्या बोलते हैं, व्यक्तिक संबंध, प्राथमिक समूह में व्यक्तिक संबंध होता है और इसमें अव्यक्तिक संबंध होता है, ठीक है। प्राथमिक समूह क्या बोलते हैं, जन्म के बाद से क्या बोलते हैं, व्यक्तित्व के विकास तक ये अपना प्रमुख भूमिका निभाते हैं, और ये उसके बाद के जो भूमिका द्वितीयक समूह निभाते हैं, ठीक है। तो ये अंतर हो गया। और प्राथमिक समूह छोटा होता है, द्वितीयक समूह जैसे कि ये बड़े होते हैं, अधिक औपचारिक होते हैं, तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना चौथा और पांचवा टॉपिक भी इसके साथ कवर हो गया, ठीक है। अब आगे अपन देखेंगे जनरीतियां एवं लोकाचार। तो अपन अब छठवा टॉपिक देखते हैं। तो छठवा टॉपिक है जनरीतियां और अपना लास्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, लास्ट लोकाचार।
इसे मतलब रूढ़ियों के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो छठवां अपना जो टॉपिक है, सब टॉपिक, तो जन रीतियाँ, ठीक है। तो जन रीतियाँ क्या होता है? तो ये क्या होता है कि समाज के द्वारा जो अनुमोदित, अनुमोदित मतलब अप्रूव्ड, ठीक है, एवं सामान्यता स्वीकृत व्यवहार, मतलब सामान्यता व्यक्ति से अपेक्षा किया जाता है कि वो इस प्रकार का आचरण करे, व्यवहार करे, ठीक है। तो ये जन रीतियाँ कहलाती है। तो ठीक है, तो दो नंबर लिखने आ गए कि जन रीतियाँ क्या है, तो अपन क्या लिखेंगे, किसी समाज के द्वारा अनुमोदित एवं सामान्यता स्वीकृत व्यवहार की विधियां हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, समूह कल्याण की भावना निहित होती है, ठीक है। और ठीक है, तो ये इतना हो जाता है, ठीक है। और इसकी विशेषताएं और एग्जाम्पल जैसे देख सकते हैं, तो क्या होता है, जनरीतियाँ मतलब सामान्यता जो व्यक्ति से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसे कैसा आचरण करना चाहिए। तो सामान्य परिस्थिति में जैसे कि माता पिता का सम्मान करना हो गया, ठीक है, और जैसे कि सड़क के बाईं ओर चलना, ठीक है। तो ये सब जनरली क्या हो गया, जनरीतियाँ हो गया, ठीक है। तो इसकी विशेषताएं क्या होती है, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण होता है, मतलब कि माता पिता से बच्चे सीखते हैं, फिर उनसे और बच्चे सीखते हैं, ऐसे चलता रहता है ये क्रम, ठीक है। और ये क्या होता है, अलिखित होता है, मतलब कि व्यवहार से समझ में आ जाता है कि ऐसा करना है, ठीक है। तो अलिखित होता है और अमूर्त होता है, क्यों, क्योंकि ये आचरण है। तो आचरण वगैरह ये सब चीजें क्या है, अमूर्त चीजें होती है, ठीक है। और क्या होता है कि समय के साथ परिवर्तनशील होती है, ठीक है। तो जो एक समय कोई आचरण चला आ रहा है, तो जरूरी नहीं कि वो दूसरे समय भी वही चलता रहे, तो ये समय के साथ परिवर्तनशील होते हैं जनरीति। और इसका विकास और जन्म भी स्वतः ही होता है, और वही इसकी विशेषता में समूह कल्याण की भावना, ठीक है। तो पूछ सकते हैं क्वेश्चन, जैसे जनरीतियाँ क्या है, इसकी विशेषताएं लिखे, तो अपन 4 नंबर में ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्मेट में। और जैसे लास्ट देखते हैं कि लोकाचार क्या है, ठीक है, लोकाचार। और तो ये क्या हो जाता है, जब ये जो जन रीति है, जब बाध्यता का गुण आ जाता है इसमें, ठीक है, मतलब अनिवार्यता का गुण आ जाता है कि इसका पालन करना ही है, अगर इसका पालन नहीं करोगे तो तुम्हें दंड मिलेगा, ठीक है, मतलब सजा दिया जाएगा। तो इसमें क्या है कि जन रीतियां आगे चलकर लोकाचार बन जाती है, ठीक है, और इसका पालन करना उचित एवं अनिवार्य माना जाता है, उल्लंघन करने पर समूह के द्वारा दंड दिया जाता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे राष्ट्रध्वज का सम्मान और मृत्यु भोज वगैरह, तो ये जो रूढ़ियां बन जाती है आगे चलकर, ये जो जन रीतियां हैं, तब बाध्यता का गुण आ जाता है। तो स्टार्टिंग में क्या, जैसे मृत्यु भोज किसी ने स्टार्ट कर लिया, तो आगे चलकर ये रूढ़ी बन गई कि ये ऐसा करना ही है, ठीक है। तो ऐसा ना करने पर दंड वंड का प्रावधान समाज के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इसकी क्या विशेषता है, इसके भी सेम विशेषता रहेगी, लेकिन ये क्या है कि ये अनुदार प्रवृत्ति के है, रूढ़िवादी है, ठीक है। इसमें हल्का सा कट्टरता का गुण आ जाता है, ठीक है। और क्या है, इसका स्वतः विकास होता है, नैतिकता का अंश होता है, जैसे कि राष्ट्रध्वज का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, उस प्रकार से इसमें क्या है, नैतिकता का अंश आ जाता है, और समूह कल्याण की भावना निहित होती है दोनों में, ठीक है। तो अक्सर जो पूछा जाता है वो जन रीतियां एवं लोकाचार में अंतर के फॉर्मेट में पूछा जाता है, ठीक है। तो अंतर के तौर पर क्या देखेंगे कि इसका उल्लंघन करने पर दंड दिया जाता है, तो ये सामान्यतः मतलब कि इसमें दंड नहीं दिया जाता है, ठीक है, ये लिख सकते हैं। और इसका अनिवार्य रूप से पालन करना पड़ता है, और इसमें जन रीतियों में ये गुण आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो ये सब अब क्या बोलते हैं, परिभाषा के तौर पर भी लिख सकते हैं कि ये होता है, ये भी एक अंतर हो जाता है, ठीक है। और तो फिर ये अपना सातों टॉपिक, सब टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, और ये अपना प्राथमिक अवधारणा जो सेकंड टॉपिक था, ये कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अपने मेंस में क्या है कि ये जो प्राथमिक अवधारणा है, ये 2 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में अंतर एक दूसरे से, जैसे समिति समुदाय का अंतर, समाज समिति का अंतर, ठीक है, और संस्था का समुदाय से अंतर, ठीक है, और सामाजिक समूह जो प्राथमिक और द्वितीयक समूह पड़े हैं, ठीक है, तो इसके बारे में क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा क्वेश्चन इससे नहीं आता है, तो 2, 4, 8 नंबर के अंतर्गत ही इसमें टॉपिक 2 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर कंप्लीट होते हैं, ठीक है, ठीक है, थैंक यू।